पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला डोडा के शिमाली इलाका बैरबाग से बागवा के मुतअद्दिद देहात को जोड़ने वाली सड़क महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की मदाखलत की वजह से मुकम्मल ना हो पा रही है। बैरबाग तक कहनाल वाया शिवा सड़क 6 किलोमीटर मुकम्मल हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट साल 2019 में शुरू किया गया था। मजकूरा सड़क को कहनाल से भागवा तहसील सदर मकाम से जोड़ा जाना था और काम दोतरफा जारी है, लेकिन करीब 200 मीटर के हिस्से पर सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी से काम दरहम बरहम होकर रह गया है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने राबता सड़क की सहूलियत के लिए मालकियती अराजी मुफ्त सड़क तामीर करने के लिए वक्फ की है, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री मुआवजा लेने के बावजूद भी सड़क की तामीर में रखना डाल रहा है। लोगों ने दावा किया कि महकमा को मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी सड़क की तामीर में रखना डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि मजकूरा ज़मीन फॉरेस्ट की नहीं बल्कि लोगों की काह चराई है, जिस पर ज़मीन का कटाव रोकने के लिए पेड़ लगाए गए थे। करीब 200 मीटर सड़क की तामीर नामुकम्मल होने से लोगों और महकमा तामीरात आमा का भी नुकसान हो रहा है और इस ज़िमन में दोबारा टेंडरिंग होना मतलूब है और वक्त मुकर्रर के बाद मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। जो हमारी बेरबाग टू शिवा वाया कानहाल शिवा वाया जो रोड कानहाल के लिए है, उसका जो काम जो है 2019 में इसकी टेंडरिंग हुई थी, और 2019 नहीं बल्कि इसका काफ़ी पहले से इसका ये जो सर्वे था, काफ़ी मुझे लगता है जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से भी ये सर्वे हमें सुनने में आज देखने को मिलता था, लोग बोलते थे बात करते थे, लेकिन जब 2019 में जो सरकार आई तो उसके बाद इसका एक टेंडर जो होता है वो 8 करोड़ कुछ समथिंग का जो अमाउंट जो है टेंडर 8 करोड़ 60 हज़ार कुछ रुपए जो है इसका टेंडर होता है, और लोगों की एक उम्मीद थी क्योंकि ये हमारा सबसे शॉर्टकट जो है लोगों का जो कहनाल शिवा लोग हैं मुठमूल और भागवा के लिए ये तहसील हेडक्वार्टर के लिए कनेक्ट होता है ये रोड, तो इसकी एक लोगों में ऊर्जा थी कि ये एक तो डोडा के लिए हमें आसान होगा और डोडा से जो बिवली से भी लोग जो है भागवा के लिए आ सकते थे उनको, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर सब बिवली तक जो है भागवा के लिए है। तो ये रोड जब 2019 में इसका टेंडर हुआ उसके बाद काम इसका अलाट हुआ, काम जब हुआ तो ये शिवा के इधर जो आपको मैं मीडिया वीडियो के माध्यम में दिखाना चाहूंगा कि इस पास एरिया में कोई 150-200 मीटर के पास में ही रोड जो है बंद हो जाती है ड्यू टू रीजन ऑफ सोशल फॉरेस्ट। जो सोशल फॉरेस्ट आप जानते होंगे कि सोशल फॉरेस्ट ने जो लोगों के जो एक तो मलकीदी और गाचराई रकबे पे ये जब पसी जो जा रही थी इसकी जो कटाव हो रहा था उसके कारण उन्होंने एक ये मिट्टी को बचाने के लिए एरिया को बचाने के लिए इस फॉरेस्ट का लगाया सोशल फॉरेस्ट लगाया गया था, लेकिन सोशल फॉरेस्ट ने इनको रोका। यहाँ पे मलकीत जमीन थी लोगों की, लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला, पहले जो रोड बनी उसमें कोई मुआवजा नहीं मिला लोगों का भी जो मलकीत लोगों की काटी जा रही थी, लेकिन जैसे ही तुरंत सोशल फॉरेस्ट या फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का कहीं पे भी आती है जमीन तो सड़कें जो है 10-10 साल जो है बंद हो जाती है। इसका भी कहीं ना कहीं लूप होल जो है वो गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि हमें पहले वो चीज वो उनको क्लियर करनी चाहिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ना कि लोगों को अगर रोड सेंक्शन हो जाती है और उनको अगर फॉरेस्ट आ जाता है चाहे वो 2 पेड़ आ जाए तो उसके लिए उनको 10 साल इंतजार करना पड़ा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखते हैं 2019 से लेकर आज तक 2023 चल रहा है, उसका एंडिंग है, और आज की डेट में अगर थोड़ा सा काम फिर से शुरू हुआ था, डिपार्टमेंट ने कहा कि पैसा भी इसका रिलीज हो गया था, जितना भी जो इसका अमाउंट बनता था 7 लाख कुछ समथिंग इन्होंने यहाँ पे भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही यहाँ पे ये रोड फिर से दोबारा कनेक्ट की जाती है, यहाँ पे मशीन आती है, काम होता है, लोग खुश थे कि अब हमें जो है कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही जैसे चार मुझे लगता है महीना एक यहाँ पे मशीन रही उसके साथ इतना जो छोटा सा स्ट्रेच है इसमें सोशल फॉरेस्ट ने फिर से दावा कर दिया कि यहाँ पे हमें जो है पैसे पूरे नहीं मिले, और पैसा कितना है वो है 72,000 जो है बचता है, वो भी किसकी गलती के कारण, वो भी सोशल फॉरेस्ट ने इनको मतलब जो पेड़ हैं उसमें ऑब्जेक्शन दी कि यहाँ पे हमारे कुछ पेड़ और रह जाते हैं जिनकी वजह से 72,000 आपका पेमेंट जो है डिले है, तो गलती किसकी, गलती है डिपार्टमेंट की, लोग क्यों भुगतेंगे। अब अगर 4 साल के बाद यहाँ पे काम लगा, 4 साल के बाद इंतजार किया एक रोड का जो है 3-4 साल जो है 5 साल इसका पीरियड रहता है टेन्योर रहता है उसका मेंटेनेंस का, उसके बाद उसका नई टेंडरिंग होती है,
जो पैसा, और उसके साथ मैं आपको ये बात करूं कि अगर 72,000 ये बोल रहे हैं, उसके साथ ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है, लोग अगर पैसा देंगे तो जल्दी होगी। काफी जगह पे, यहाँ नहीं बल्कि काफी जगह में सुनने को आता है कि लोग पैसा जमा करेंगे तो जल्दी होगी। अगर ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं होती है काम करने की, अगर वो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको जब पूरा क्लियर नहीं होता है, तो वो क्यों रोड का प्रोजेक्ट लोगों को लॉलीपॉप देने का काम करते हैं ये? अच्छा, धन्यवाद जी। अब मैं कुछ इसके बारे में कुछ आपके सामने तथ्य रखूंगा ताकि आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे। 2013 से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है, कुछ समय के बाद इसको डिले कर दिया गया, फिर कोर्ट के माध्यम से डिविजनल बेंच से ये 2018 में सेंक्शन आती है और वहाँ पर यह लिखित में दिया जाता है कि ये 3 साल में हम कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स कि 2021 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था। पीडब्ल्यूडी की नालायकी की वजह से या उनकी डिले टैक्टिस की वजह से 2021 में ये सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट उठाते हैं कि वहाँ पर जी कुछ प्लांट्स आते हैं, कुछ फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें जनाब कुछ